जाकिर नगर में एंट्री और एग्जिट दोनों ही बहुत मुश्किल है। हाँ, को लोग बहुत अजीब गरीब जिंदगी गुजार रहे थे। गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ, कचरा पड़ा रहता है, उठाते नहीं है लोग, कीचड़ होता है। दोस्तों, मैं अभी अशोका पार्क में हूँ। अशोका पार्क आप जानते हैं जाकिर नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। मैं सोचता हूँ कि एक सीरीज ऐसी शुरू की जाए जिस पे हम अपने चैनल पे पूरे ओखला के लोगों से ये मालूम करें कि ओखला में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से लगती है। हो सकता है किसी को ट्रैफिक का मसला हो, किसी को गंदगी का मसला हो, किसी को चोरी चमारी का मसला हो, किसी को और कोई मसला हो। ओखला में लाखों की आबादी है, तो हमने एक सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है जहां हम लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको ओखला में सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से होती है। इस सिलसिले में हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत सारे लोगों से बात करें, और एक ही बार नहीं, कई सीरीज़ में ये चीज़ हम चलाएं कि आखिर ओखला वालों को किस बात से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे फ़ोन करें, मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी भी राय जानूँ। रहते हैं ओखले में? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ जाकिर नगर में। कब से रहते हैं जाकिर नगर में? हो गए तकरीबन 15-20 साल हो गए। अच्छा, असल में ये जानना चाहूँगा अगर कि इस इलाके में ओखले में वैसे तो मसले बहुत सारे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा मसला जो सबसे ज़्यादा है, जो मुश्किल पैदा करता है? सबसे मसला मेन तो यही है कि जाकिर नगर में एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही बहुत मुश्किल है। यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है और गाड़ियाँ इस तरह से पार्क होती हैं, तो एंट्री भी निकलना सोचना पड़ता है कि अगर हम कहीं अर्जेंसी में जाना है तो हम कितने टाइम पहले निकले हैं और कितने कहीं अगर जाना होता है तो गाड़ी बाहर खड़ी पार्क करनी पड़ती है ताकि इजीली हम आना जाना निकल सके जाकिर नगर से। अदरवाइज़ निकलने में आधा घंटा चाहिए और एंट्री करने में भी आधा घंटा चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अब क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कैसे इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल ये एक तो बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर जाती हैं और उतनी जगह है नहीं। दूसरा, पहले से थोड़ा दुकानों के बाहर जो था, दुकानें बाहर थी, वो पुलिसों ने अंदर करा दी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है ट्रैफिक में। फिर पार्किंग जो है, स्कूटी वगैरह सब अपने मर्ज़ी से कहीं पे भी खड़ी छोड़ देते हैं, उससे ट्रैफिक में आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों की ही वजह इस तरह थोड़ा सा अगर हम खुद इसको मेंटेन करके चलें, गाड़ियां सही पार्क करें रोड पर, ताकि जो ट्रैफिक का फ्री फ्लो है वो बना रहे और ये जाम ना हो। अब ये ढलान के पास बहुत ज़्यादा जाम रहता है, जबकि आमतौर पे कहते हैं कि जाकिर नगर का ये वाला जो इलाका है ढलान वाला, ये कुछ गनीमत है। कम से कम जो लोग गड्ढा कॉलोनी में रहते हैं, इधर रहते हैं, वो बाहर आसानी से निकल जाते हैं। जो उधर रहते हैं, जो बटला हाउस की तरफ जाते हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। हाँ, ये है इस बात से, उधर बटला हाउस में जो कब्रिस्तान के पास है, एक्चुअली वो वहाँ पे यू टर्न इन्होंने आगे से कर रखा है, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। लेकिन उसके बनिस्बत यहाँ पे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बॉटल नेक होता जा रहा है, पूरा अंदर तक जाम रहता है जाकिर नगर। मुझे आपको नहीं लगता कि इसके लिए हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं? किसी ने कार रोड पर लगा दी है, जब ट्रैफिक पुलिस कभी आती है, चालान करती है लोगों का कि आपने गलत तरीके से कार लगाया है, तो कुछ लोग हंगामा शुरू करते हैं, देखो यार कॉलोनी के अंदर भी पुलिस आने लगी। जबकि गलती करते हैं लोग, आपने गलत तरीके से रोड पे अपनी कार लगा दी है, उसमें पुलिस क्या करेगी? तो आपको नहीं लगता कि इस परेशानी के लिए हम लोग खुद भी ज़िम्मेदार हैं? हाँ, ये बात सही है, हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पार्किंग अगर हम पूरी प्रॉपरली लगाएं तो जो ट्रैफिक को पूरा फ्री फ्लो मिलेगा आने जाने में, सबके लिए प्रॉब्लम जो है वो आसानी रहेगी, लोग आसानी से आ जा सकते हैं, गाड़ियां ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम प्रॉपरली पार्क करें, लगाने वाले सोचे कि गाड़ी दूसरी आएगी तो दूसरे को परेशानी ना हो, तो वो उससे फ़र्क पड़ सकता है। मेरे साथ दो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। सर, ये बताइए, आप इस इलाके में रहते हैं ओखले में? जी हाँ। कहाँ पर रहते हैं ओखले में? जाकिर नगर में। जाकिर नगर में, तो आप अशोका पार्क में हमेशा आते हैं आप? जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था लोगों से कि ओखला वालों के लिए, आप चूँकि जाकिर नगर की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी ओखले में क्या नज़र आती है आपको? गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ, कचरा पड़ा रहता है, उठाते नहीं है लोग, कीचड़ होता है और गड्ढे बहुत हैं सड़कों पे, हाथ में परेशानी होती है, पानी भरा होता है तो मुश्किल होती है, और क्या, सब यही है। सर, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो सब कुछ पब्लिक भी है और सरकार तो है ही, क्योंकि सरकार का निज़ाम अगर सही नहीं है तो फिर कैसे होगा?
कितने दिनों से रहते हैं आप ओखले में? पाँच छः साल से रह रहे हैं। तो इस दौरान कोई तब्दीली नज़र आई आपको, या आपको लगता है जो गंदगी पहले भी रहती थी अब भी रहती है? नहीं, थोड़ा फर्क आया है, लेकिन ये कि इतना नहीं आया कि जो सफाई हो जाए पूरी तरीके से। अच्छा, अगर सफाई के अलावा हम बात करें तो अब और क्या परेशानी ओखले में नज़र आती है? लगता है अरे बहुत दिक्कत है यहाँ इस चीज़ों का? नहीं, और तो क्या बात, दिक्कत क्या है, महंगाई है, घरों की परेशानी है, और तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। सर आप यहीं रहते हैं? जाकिर नगर में रहते हैं। कितने दिनों से यहाँ रहते हैं? चार साल से। पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले बिहार के थे। बिहार में कहाँ घर है आपका? बिहार में गया। गया। सर मुझे ये बताइए, आप जब जाकिर नगर में चार साल से रह रहे हैं, इतने दिनों से आप इलाके में इधर उधर घूमते भी होंगे, अगर हम ये बात करें कि जाकिर नगर या पूरा ओखला, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या नज़र आती है आपको? देखिए, एक दिन की बात है कि बिहार के दो नौजवान हमको मिले, मदीना मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकले तो मिले। अब उनको परेशानी हो रही थी कि हम बैतुल खला कहाँ पर जाएँ, हम क्या बताएं। उनको लगा ये कि पार्क के आसपास में कहीं पर होगा, लेकिन ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं, और फिर आम पब्लिक तो झेल ही रहा है। तो अक्सर लोग इस इलाके के हम देखते हैं कि वो मदीना मस्जिद के पास पीछे में जो है से उनका ये होता है, बैतुल खला होता है, फिर वहाँ उनको मैंने बताया भाई क्या करो, वहाँ जाओ कि नमाज़ पढ़ लो फिर चले आओ, इस तरह से। तो ये एक परेशान तो ये समझ में आया। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि वो गंदगी का मसला जो है, वहाँ पर किनारे पर, इस पार्क के किनारे पर, कोने पर जो है कचरा पड़ा हुआ रहता है, अक्सर पड़ा हुआ रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये मोहल्ला कहलाता है तौबा कॉलोनी, पीछे में इतना लोग शराब वगैरह पीते हैं, इतना यानी कि बाहर से लोग आते हैं, अक्सर लोग यहाँ यूपी और बिहार के लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, है नहीं उनको ठहरने का ठिकाना नहीं होता, बहुत तरह की दिक्कत होती है, जहाँ तहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। अब उनकी ज़िंदगी अजीबोगरीब होती है, हम लोग सब परेशान रहते हैं उनसे। सर ये बताइए मुझे, बहुत अहम बात कही आपने कि यहाँ शराब बहुत पीते हैं लोग, ये सब जानते हैं हम सब लोग, ये पूरा ओखला जो है मुसलमानों का मोहल्ला है, ज़्यादातर मुसलमान है, बल्कि सभी मुसलमान हैं, इक्का दुक्का हिंदू भाई रहते हैं, तो शराब यहाँ लोग पी रहे हैं, शराब इस्लाम में हराम है जी। तो कमाल है, तो क्या मुसलमानों के पास समझ में नहीं आ रही है बात? यहाँ तक कि ये है कि देखिए लोग, असल है कि बाहर से लोग आते हैं, नौजवान तबका सब आते हैं, अब वो तो कमाने के लिए है, सब मुसलमान ही वो है तो ठीक है सही से। अब इस माशरे में कहने का मतलब कि तरबियत अगर नहीं होगी तो फिर वो जैसे तैसे ज़िंदगी उनकी गुजरनी शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ आकर के फिर वही जो माहौल जब पाते हैं, अपना कमाना अपना खाना, जो कमाए सो खाया, जो किया, कोई तरबियत करने वाला नहीं होगा तो दिक्कत हो जाती है इस तरह से, इससे वो परेशान रहते हैं वो जी। इस मोहल्ले में खास करके ये बीमारियाँ आई हैं, है नहीं। मैंने पूछा कि ये तौबा कॉलोनी क्यों नाम रखाया, उसका वजह ही था कि लोग जो है यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहे थे, है क्या कि बाहर के लोग आते हैं, यूपी बिहार के लोग आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर वही लोग हैं ज़्यादा। हाँ जी जी, बाहर हम निकलेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, देखा उनकी ज़िंदगी अजीब व गरीब बिगड़ी हुई है, अब उनको बड़ा मुश्किल है इस तरह से जी। शुक्रिया सर।